कश्मीर च सैर सपाटा ते मशहूर डल झील की सुंदरता हाउसबोट यानी कार वाली किश्तियां तो बिना अधूरी है। सुंदर झील ते तैर रही शानदार हाउसबोट कश्मीर की जादुई सुंदरता नूं प्रदर्शित करते हैं। हालांकि अधिकारियों की उदासीनता अते आम हालात ना होने कारण यह इतिहासिक विरासत अलोप होने के कंडे ते है। वैसे हमारा कभी भी 2-3 साल के लिए टूरिज्म स्टेबिलिटी नहीं रही, जिसकी वजह से ये हेरिटेज आहिस्ता आहिस्ता खस्ता हाली की शिकार हो गई और बहुत से हाउस बोट हमारे ख़त्म हो गए। बहुत ही हुनरमंद तरखान देवदार की वधिया लक्कड़ तो हाउस बोट बनाने विच एक साल तो वध दा समा लेंदे ने। कश्मीर के कारीगर हाउस बोट्स के अंदरूनी अते बाहरी हिस्से नू लक्कड़ के बारीक काम नाल सजाउंदे ने। इस तरह तैरते हुए होटल कश्मीर की विरासत अते कारीगरां दे हुनर नू दर्शाउंदे ने। कारीगरां दीआं ए मेहनतकश कोशिशां उन्हां नू सैलानियां लई बहुत आकर्षक बनाउंदियां ने। ऐसे स्किलफुल लोग होते थे जो हाउस बोट बनाते थे, मेरे को नहीं लगता है कि आज कोई हाउस बोट बना सकता है। खाली अगर कुछ हमारे पुराने कुछ ऐसे सीनियर्स जो वो कारपेंटर्स थे, इसमें खास लोग थे, वो बना सकते, बाकी नए जो हमारे यंगस्टर्स है उनके पास ये स्किल नहीं है। कश्मीर विच सैर सपाटा उद्योग दे रूप च हाउस बोट दी होंद दे नाल लगभग एक ही समय उभरिया। 1838 विच जद भारत ते अंग्रेजां दा शासन सी तां उस समय अधिकारियां ने छुट्टियां दा आनंद लैण लई कश्मीर जाना शुरू कर दिता। उसे ने इस खेतर विच सैर सपाटा उद्योग दी शुरुआत कीती। ए अधिकारी डल झील विच हाउस बोट दे अंदर रहिंदे सन। झील विच तैर रहियां किश्तियां पुराने दिनां विच इन्नियां शानदार नहीं सन जिन्नियां अज कल वेखियां जा सकदियां ने। यहाँ पर एक अटैचमेंट होती है, कल्चरल एक्सचेंज होता था, जैसा इसी की वजह से ये आज तक 100-150 साल सस्टेनेबल रहा। यहाँ पर तो हाउस बोट से पहले कोई अकोमोडेशन थी ही नहीं, ये हाउस बोट ही है जिसने इंटरनेशनल लेवल पर टूरिज्म को प्रमोट किया। बाकी जो कहते हैं प्रमोशन, कश्मीर को प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसमें हमने 100 सालों से ये प्रमोटेड ऑलरेडी है। हाउस बोट दे मालकां दा कहना है कि एक समा सी जद बहुत सारियां हाउस बोट सन पर उन्हां दी गिनती बहुत घट गई है। पूरी तरह लकड़ दे बने सुंदर अस्थाई घरां दी देखभाल विच देरी नहीं कीती जा सकदी। स्थानक अधिकारियां वल्लों इन्हां हाउस बोट्स वल घट ध्यान देण कारण कश्मीर दी सुंदरता घट गई। डे बाई डे ये जो हाउस बोट का मसला ये तो खत्म ही होता जा रहा है, और इनकी हालत देखिए आप, ये जो हमारा जैले में कुछ हाउस बोट यहाँ पे गिने चुने रहे हैं, चिनारबाग तो ऑलरेडी मेरे को लगता है ख़त्म हुआ है, अब डल और नगीन में थोड़े से बचे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस हेरिटेज को बचाया जाए, क्योंकि एक पहचान है कश्मीर की, कश्मीर टूरिज़म की एक पहचान है, शान है हमारी है। तो हम फख्र से कहते हैं कि मतलब हमारे पास हाउस बोट हैं। 1080 हाउस बोट्स थे, आज के दौर में हमारे 900 से ज़्यादा नहीं होंगे, और उसमें भी बहुत से हाउस बोटों की रिपेयर की ज़रूरत है, रिनोवेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है, ना गवर्नमेंट इसके लिए आगे आ रही है हमारी मदद के। सरकार ने साल 1983 विच नवे हाउस बोट बनाउण ते पाबंदी लगा दित्ती सी। उस समय तो बाद इस दी समीक्षा नहीं कीती गई अते ए पाबंदी अज तक जारी है। अधिकारियां दी अनदेखी दे बावजूद हाउस बोट दे मालकां ने भी ए मन्निया कि गिनती विच गिरावट च कश्मीर दी स्थिति ने भी योगदान पाया। नवा हाउस बोट बनाउण दा सवाल पैदा नहीं हुंदा, पर पुराने दी मरम्मत करना भी असंभव हो गया। प्रशासन ने एक नवी नीति लागू की है जिस नाल हाउस बोट्स की मरम्मत अते नवीनीकरण की प्रक्रिया गुंझलदार हो गई है। शिकारा दे नाम नाल जानियां जांदियां डल झील विच तैरदियां किश्तियां अते हाउस बोट कश्मीर दी सुंदरता नूं दर्शाउंदियां ने। जे कश्मीर च एक बार फिर सैर सपाटा उद्योग नूं वधावा देना है तां इन्हां तिन्हां नूं सुरक्षित ढंग नाल संभालन अते उत्साहित करन दी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ATV भारत। To watch 24/7 News Live, download ETV Bharat app.